हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मिक्स फिश रेसिपी। इसमें बहुत तरह के मछली मिला हुआ है फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक साथ मिलकर नदी से पकड़ कर लाया है। बिल्कुल देसी स्टाइल इसे हम लोग बनाएंगे और खाएंगे। ये छोटा वाला स्मॉल फिश है फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। ये दूसरा वाला स्मॉल फिश है, इसे हम लोग गुल्ला फिश बोलते हैं, इसे भी साफ कर लेंगे। ये गड़ाई फिश है फ्रेंड्स, इसमें पानी डालकर हम लोग अच्छे से साफ करेंगे। पानी डालने से इसका चोंई वगैरह अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है गरई फिश। अब इसमें हम हल्दी डालकर मिक्स करेंगे। तीन से चार पीस बड़ा फिश फंसा था, इसे भी अच्छे से साफ कर लेंगे हम लोग। सभी फिश को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, सभी में हल्दी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। एक कढ़ाई में लेवा दे रहे हैं, इससे नीचे का कड़ा भाग जलेगा नहीं। हम लोग चूल्हे में आग लगा लिए हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी को थोड़ा चटकने देंगे, गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। अब इसमें फिश डालकर फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बड़ा फिश फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई हो गया फ्रेंड्स, इसे पलटकर दूसरे साइड फ्राई करेंगे। ये दोनों साइड से फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्राई हुआ है, क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। इसी तरह सभी फिश को हम फ्राई कर लेंगे। हमने सभी बड़ा फिश को फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब छोटा फिश को फ्राई करेंगे। सभी छोटा फिश को भी हमने फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल, इसमें डालेंगे पिसा हुआ सरसों। सरसों के हल्का ब्राउन कलर होने तक हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, सभी को मिक्स करते हुए भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें।
मसाला बिल्कुल अच्छे से भुंजा रहा है। इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी डालकर मसाला को हम पकने देंगे। मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे जिसमें सारा मछली अच्छी तरीके से पक जाए। ग्रेवी में एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। ग्रेवी में हल्का हल्का उबाल आ रहा है फ्रेंड्स, अब इसमें हम फ्राई किए हुए सभी मछली को डाल देंगे। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करें। इसी तरह हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। ये अच्छी तरीके से पक रहा है। ये मिक्स फिश रेसिपी ये रेडी है फ्रेंड्स, अब इसे हम चूल्हे से उतार लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इसे हम प्लेट में निकालकर हम लोग सर्व कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए।